तो ये सीसीटीवी चीख चीख कर बयां कर रहा है कि सोनाली फोगाट की मौत एक साजिश थी, एक ऐसी साजिश जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे। मगर उससे पहले सीसीटीवी को एक बार फिर से ध्यान से देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये सीसीटीवी ठीक सोनाली फोगाट की मौत से पहले का है, जिसमें वो ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं, आगे जाकर वो गिर पड़ती हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या हुआ था सोनाली के साथ, किसने और क्या ऐसा सोनाली को दिया कि मौत से पहले उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक और तस्वीर आपको देखनी होगी, और ये तस्वीर भी सोनाली की मौत से पहले की तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें वो गोवा में अपने ही पीए सुधीर सांगवान और सुधीर के साथी के साथ पार्टी कर रही हैं। इस वीडियो से ये तो पता चलता है कि सोनाली को इस बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं था कि ये पार्टी उनकी जिंदगी की आखिरी पार्टी साबित होने वाली है, क्योंकि गोवा पुलिस दावा कर रही है कि इसी पार्टी के दौरान सोनाली के पीए सुधीर ने जबरन सोनाली को ड्रिंक में कोई ड्रग्स या फिर केमिकल मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद सोनाली अपना होश खो बैठती हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए वो मौत की नींद सो जाती हैं। सुनिए सोनाली की मर्डर मिस्ट्री पर खुलासा करने का दावा करते हुए गोवा पुलिस ने और क्या कुछ कहा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज करली क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलेज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टियां कर रहे हैं, और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया। तो यानी शक सही साबित हुआ कि सोनाली की मौत साजिश थी, वो साजिश जिसमें उन्हीं का पीए शामिल था। वैसे तो सोनाली की मौत के बाद से ही सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने सोनाली की मौत पर ये कहते हुए सवाल उठाए थे कि एफआईआर में अभी दो नाम सामने आए हैं, एक उनके पीए सुधीर का और दूसरा सुखविंदर का, लेकिन इसके पीछे और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है, और दूसरे शॉट में भी दिया देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है, और फिर वहाँ करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में सोनाली की मौत के पीछे कई और लोगों का भी हाथ है, जैसे कि परिवार वाले दावा कर रहे हैं। अगर है तो फिर मास्टरमाइंड कौन है, साजिश के पीछे की वजह क्या है, क्या राजनीतिक या फिर कुछ और? और ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है। वैसे तो परिवार शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, और आज भी सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है, ताकि इसके पीछे और कौन लोग हैं उनका भी खुलासा हो सके। मगर डर तो इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोनाली की मौत भी सुशांत की मौत की तरह मिस्ट्री बनकर ना आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।